दिव्यांशु अग्रसर आगर भाई। गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तो आज लिफ्टिंग मशीन के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अपना कैलकुलेटर्स लेके बैठे हो साथ में? यस सर। पहली प्रॉब्लम है, सॉल्व करें इसको। ए मशीन रेज्ड ए लोड ऑफ 360 न्यूटन थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 200 mm। द एफर्ट ए फोर्स ऑफ 60 न्यूटन मूव्ड 1.8 मीटर ड्यूरिंग द प्रोसेस। कैलकुलेट वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड एफिशिएंसी एट दिस लोड। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है तुम्हें? ए मशीन रेजेज ए लोड, डब्ल्यू दे रखा है तुम्हें 360 न्यूटन थ्रू ए डिस्टेंस 200 mm। तो एक्स की वैल्यू दे रखी है 200 mm, एक्स इक्वल टू 200 mm। द एफर्ट द वैल्यू ऑफ पी इज गिवन 60 न्यूटन और पी मूव कर रहा है 1.8 मीटर की डिस्टेंस से। इट मींस वाई वैल्यू ऑफ वाई इज गिवन। तो वेलोसिटी रेशियो निकालो, मैकेनिकल एडवांटेज, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड एफिशिएंसी एट दिस लोड। तो देखें क्या क्या दिया हुआ है। डब्ल्यू इज गिवन 360 न्यूटन, एफर्ट पी की वैल्यू दी हुई है 60 न्यूटन, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट वाई 1.8 मीटर एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड एक्स इक्वल टू 200 mm। मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन पी, रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट। तो मैकेनिकल एडवांटेज कम 6। वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो तो मैंने बताया था, इट इज द रेशियो ऑफ वाई अपॉन एक्स, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। वेलोसिटी रेशियो कम्स 9। व्हाट इज द एफिशिएंसी? एफिशिएंसी क्या बताई थी? रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू वेलोसिटी रेशियो अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो एफिशिएंसी कम्स 66.66%। सो व्हाट टाइप ऑफ दिस मशीन इज दिस? रियल मशीन, नॉन आइडियल। सर एक मिनट, 60% से ज्यादा था ना, तो रिवर्सिबल, बिकॉज़ द मशीन हैज एफिशिएंसी ग्रेटर देन 50%, सो द मशीन विल बी रिवर्सिबल मशीन। रिवर्सिबल, यस सर। इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन मैंने तुम्हें बताया था, फ्रिक्शन लॉस के कारण, फ्रिक्शन के कारण कितना लॉस हुआ, इफेक्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन एफपी, दैट इज पी माइनस डब्ल्यू वी आर। ये तुम्हें फॉर्मूला भी लगा सकते हो तुम, जो फॉर्मूला दिया है मैंने, पी फ्रिक्शन जो निकाला था हमने, पी माइनस डब्ल्यू अपॉन वी आर, इट कम्स 20 न्यूटन। एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन, पी फ्रिक्शन वाला जो फॉर्मूला है दैट यू कैन अप्लाई। नहीं, फ्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ लोड, उसके लिए भी फॉर्मूला तो हम बता रखा है, पी वी आर माइनस डब्ल्यू। इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला। ये जो निकाला है तुम्हारे, दिस इज द पी फ्रिक्शन, दिस इज द डब्ल्यू फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। In an experimental test conducted on a hoisting machine, it was observed that an effort of 20 kN was applied to lift a load of 90 kN, whereas an effort of 16 kN was required to lift a load of 70 kN. Determine the followings. First, the law of machine.
सेकंड द लिमिटिंग मैकेनिकल एडवांटेज मतलब मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, द लिमिटिंग एफिशिएंसी मींस मैक्सिमम मैकेनिकल एफिशिएंसी, एंड फोर्थ द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 15 किलो न्यूटन, एंड लास्ट में है व्हाट वुड बी द मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी ऑफ द मशीन एट दिस मोमेंट, टेक वेलोसिटी रेशियो 25. तो इसके अंदर जो हमारा लॉ ऑफ मशीन है दैट इज इक्वल टू पी इक्वल टू क्या होता है कृष्णा? पी इक्वल टू एमडब्ल्यू प्लस सी. एमडब्ल्यू प्लस सी ये मैकेनिकल लॉ ऑफ मशीन है. तो इसमें एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट कंडक्ट किया गया मशीन के ऊपर, जिसमें ऑब्जर्व किया गया कि एक एन एफर्ट ऑफ 20 किलो न्यूटन वाज अप्लाइड टू लिफ्ट ए लाइन 90 किलो न्यूटन. तो एक लॉ ऑफ जो इक्वेशन ऑफ लॉ है इसकी हेल्प से बन जाएगी. इसमें एफर्ट पी 20 किलो न्यूटन है, लोड उठाया गया डब्ल्यू 90 किलो न्यूटन है. तो पी इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी में रखोगे तो एक इक्वेशन बन गई इससे. दूसरी इक्वेशन इससे बन जाएगी 16 किलो न्यूटन और 70 किलो न्यूटन से. तो दो इक्वेशन तुम्हारे पास में आ गई. दोनों इक्वेशन से जो अननोन से वो फाइंड आउट करो और उस इक्वेशन में पुट करोगे तो लॉ ऑफ मशीन निकल के आ जाएगा. निकालो. देखो द लॉ ऑफ मशीन इज गिवन बाय पी इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी. सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ पी एंड डब्ल्यू फ्रॉम क्वेश्चन. तो ये दो इक्वेशंस डेवलप हुई. इन दोनों को सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास में एम और सी की वैल्यू निकल के आएगी. एम और सी की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करोगे तो तुम्हारे पास में फर्स्ट वाला आ जाएगा, लॉ ऑफ मशीन आ जाएगी. अब निकाल के बताओ कितना आ रहा है. M की वैल्यू तो 1/5 आ गई सर. वैल्यू 1/5 सर. 1/5 C की वैल्यू एक मिनट सर. सर C की वैल्यू 2 आएगी सर. हाँ सर. तो ये इक्वेशन क्या बन गई, ये वाली इक्वेशन क्या बनी? M की वैल्यू 0.2 आ रही है और C की वैल्यू 2. नहीं सर 2 है. हाँ सर. यस सर. तो मैं लिख सकता हूँ इसको P equals to 0.2W plus 2. तो law of equation तो first portion complete हो गया. ये वाला निकल गया, law of machine निकल गया. Now the limiting mechanical advantage. लिमिटिंग मैकेनिकल एडवांटेज का भी तुम्हें फॉर्मूला बताया था मैंने. मैकेनिकल एडवांटेज मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज. सर 1/m क्या जब वो c by w को नेगलेक्ट कर देते हैं? हाँ c by w टेंड्स टू जीरो. 1/m आई एम पुट करोगे तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगी तुम्हारे पास में. नाउ सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया. लिमिटिंग एफिशिएंसी बताई थी वो भी कब? सी बाई डब्ल्यू टेंड्स टू जीरो होता है तो क्या था चेक करो वापस. वन अपॉन एम वी आर निकालो.
वेलोसिटी रेशियो क्या लेंगे? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी इज 1 अपॉन एमवीआर, इट कम्स 0.2 और 20%. सो द टाइप ऑफ मशीन इज इरिवर्सिबल मशीन और सेल्फ लॉकिंग मशीन. ये कहीं भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. यदि किसी मशीन की एफिशिएंसी 50% से कम है, या कह दे कि किसी मशीन की एफिशिएंसी 20% है, 25% है, तो मशीन किस टाइप की है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, तो तुम बता सकते हो. इफ द एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज लेस देन 50%, देन इट विल बी इरिवर्सिबल कैटेगरी. And the last fourth point, the effort required to lift a load of 15 kilonewton. Effort required to lift a load of 15 kilonewton. So, हमारे पास में ये equation है law of machine की, P equals to 0.2 W plus 2. तो इसमें 15 की value put करोगे तो हमारे पास में effort आ जाएगा. 5 kilonewton. But required to lift a load of 15 kilonewton, so it comes 5 kilonewton. Now, what would be the mechanical advantage and efficiency of the machine at this moment? Is 15 kilonewton ke respect ke andar kya mechanical advantage hoga? Aur machine ki efficiency kya hogi? So mechanical advantage is case mein W kya hai 15 aur P kya hai 5. 3. आ गया, 3 आ गया. एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 3/25. ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो. अब बताओ इसको, तीनों वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ. मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा आंसर. दो चीजें दे रखी, दो इक्वेशन बनेगी. इन द केस ऑफ लिफ्टिंग मशीन, एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट लोड्स ऑफ 15 न्यूटन एंड 80 न्यूटन. तो W1 W2 की वैल्यू हो गई 15 न्यूटन और 80 न्यूटन. तो इनके लिए एफर्ट रिक्वायर है 12 न्यूटन एंड 80 न्यूटन. तो P1 P2 की वैल्यू हो गई 12 न्यूटन एंड 80 न्यूटन. तो दोनों लॉ ऑफ मशीन की दो इक्वेशन डेवलप हो जाएंगी. इफ द वेलोसिटी रेशियो फॉर द मशीन वाज 6, डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन द लोड एंड एफर्ट. It means you have to find out the equation of law of machine.
m की वैल्यू तो 1/5 आ गई सर. अच्छा सॉरी, डेवलप करिए m 1/5 की वैल्यू निकालो क्या है डेसिमल्स में. 0.2. यस सर. c की वैल्यू 2 आ रही है. चलो दीपचंद. हाँ सर, c की वैल्यू 2 आ रही है. यही आ रही है. हाँ सर, 0.2 आ रही है m की वैल्यू और c की वैल्यू 2. चलो देखते हैं. 13 = 60 + c. The relationship between the effort applied and the load lifted is p = mw + c. ये equation है law of machine की. दोनों ये ऊपर जो वैल्यू सेट दे रखा है पी और डब्ल्यू का, इसको पुट किया इस इक्वेशन में, तो ये दो इक्वेशन निकल के आती है. 12 = m 15 m + c एंड 18 = 80 m + c. सो सॉल्विंग अपॉन सॉल्विंग द इक्वेशन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c, दैट इज m = 0.2 एंड c = 2. तो अगेन पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन, तो लॉ ऑफ मशीन कम्स p = 0.2w + 2. अब निकालनी है द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन एंड द एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन एट 50 न्यूटन लोड. 50 न्यूटन लोड के ऊपर एफिशिएंसी क्या होगी और एफर्ट लॉस्ट मतलब p फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी निकालो. सर इसमें p की वैल्यू क्या लेंगे अपन, p माइनस w अपॉन vr. f पे p माइनस w अपॉन vr होता है ना. तो वही तो कर रहा हूँ. अब ये क्या कर रहा है, सेकंड पॉइंट पढ़ो. द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन एंड द एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन एट 50 न्यूटन. तो 50 न्यूटन के ऊपर तुम लोड एफर्ट निकाल सकते हो. 50 न्यूटन यदि लोड होगा तो एफर्ट कितना होगा विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन. हम्म, यस सर. 0.2w + 2 से w की वैल्यू दे रखी है ना, तो एफर्ट आ जाएगा. इस w के लिए एफर्ट कितना चाहिए, तो उसके बाद में एफिशिएंसी आएगी. मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लोगे. देखो, व्हेन ए लोड ऑफ 50 न्यूटन इज टू बी लिफ्टेड, की वैल्यू आ रही है नहीं 12. इसमें तुम यदि 50 पुट करोगे इस W की जगह पे, तो P कितना आता है, 12 आता है. यस सर. इसलिए यहाँ पे 12 लिखा. और ये 12 ऐसे भी लिख सकते हो तुम, यहाँ पे ऊपर 50 न्यूटन लोड दे रखा है, इस 50 न्यूटन लोड के रेस्पेक्ट में यहाँ भी दे रखी है 12 न्यूटन लोड. देखो दे रखा है, ऊपर क्वेश्चन में भी दे रखा है और यहाँ से भी आ जाएगा सेम, क्योंकि इस इनकी हेल्प से ही हमने ये इक्वेशन डेवलप की है. तो मैकेनिकल एडवांटेज आ गया. वेलोसिटी रेशियो तुम्हें दे रखा है, वेलोसिटी रेशियो ऑफ द मशीन इज 6, तो एफिशिएंसी आ जाएगी मशीन की 0.694 69.4%. यहाँ तक अब आगे क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, इसी के अंदर सेकंड बी के अंदर एफिशिएंसी आ गई, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन एट 50 न्यूटन लोड, पी फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी. 3.66. एफर्ट लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन, पी फ्रिक्शन इक्वल टू क्या बताया था मैंने, पी एक्चुअल माइनस पी आइडियल.
पी एक्चुअल माइनस पी आइडियल. पी एक्चुअल की वैल्यू 12 न्यूटन है जो एक्चुअल में लग रहा है. पी आइडियल निकाल सकते हो डब्ल्यू अपॉन वी आर से और डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हो जो फॉर्मूला लिखाया था इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी. इन टर्म ऑफ एफिशिएंसी का फॉर्मूला तुम्हें याद है तो वो पुट कर सकते हो यहाँ पे, उसकी हेल्प से भी ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है यहाँ तक? सुमित सोनी? यस सर. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर. यस सर. फिर नेक्स्ट पॉइंट सी, द मैक्सिमम एफिशिएंसी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड फ्रॉम दिस मशीन. मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? अब लास्ट क्वेश्चन में निकालिए मैक्सिमम एफिशिएंसी. 1 upon mvr. That is 83.3%. देखो पूरी मैकेनिक्स के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लिफ्टिंग मशीन, इनके जो न्यूमेरिकल आएंगे ये बहुत आसान होंगे. यदि तुमने थोड़ा सा भी एफर्ट किया तो इसमें पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, पूरे में से पूरे मार्क्स आ सकते हैं इसमें. ये दो चैप्टर ऐसे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लिफ्टिंग मशीन एंड इसके बाद में आएगा बेल्ट एंड रोप्स. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट होल्ड रखना. क्वेश्चन है द लॉ ऑफ मशीन इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द रिलेशन. इसमें लॉ ऑफ मशीन तुम्हें डायरेक्ट दिया हुआ है, पी इक्वल टू 0.04 W + 7.5, वेयर पी इज द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट लोड W, बोथ एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन्स. वर्क आउट द मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी ऑफ द मशीन when the load is 1.5 kN and velocity ratio is 35. What is the maximum efficiency of the machine? If P friction is lowest in friction, proceed to establish the relation between P friction and W. What will be the value of P friction when a load of 1.5 kN is to be lifted? देखो हमारे पास में क्या वैल्यू है, W दे रखा है 1.5 kN. इसकी वैल्यू लॉ ऑफ मशीन में पुट करेंगे हम, P = 0.04 × 1500 + 7.5.
तो इसके रेस्पेक्ट इस W के रेस्पेक्ट के अंदर एफर्ट की वैल्यू आ गई हमारे पास में. तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया, W अपॉन P इक्वल्स टू 22.22. एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, इट कम्स 63.5%. तो मैकेनिकल एडवांटेज निकल गया हमारा, मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लिया हमने और एफिशिएंसी निकाल गई. और द मैक्सिमम एफिशिएंसी, इसका फॉर्मूला तो हमारे पास में है, 1 अपॉन VR, 1 अपॉन MVR. तो M और C की वैल्यू निकालोगे तुम कैसे, कंपेयरिंग P इक्वल्स टू 0.04 W प्लस 7.5. इस इक्वेशन से M की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास में, दैट इज 0.04 और C की वैल्यू 7.5. ठीक है, ये वैल्यू इसमें पुट करोगे तो तुम्हारे पास में मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल के आएगी 71.4%. देन एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन बताओ कितना है, फ्रिक्शन इक्वल टू पी एक्चुअल माइनस पी आईडियल. तो पी फ्रिक्शन निकल के आता है, डब्ल्यू हमें पता नहीं इसमें यहाँ पे, तो डब्ल्यू की टर्म्स में सारी वैल्यू आ गई. डब्ल्यू 1.5 किलो न्यूटन है, वो पुट किया बाद में, लास्ट में पुट किया इसके डब्ल्यू की टर्म्स में 34.6. तो पी फ्रिक्शन निकलता है 34.6 न्यूटन्स. ठीक है, ये यहाँ पे फिनिश होता है. अपने अटेंडेंस पीपी सेंड कर दें. हो गई, नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें सिस्टम ऑफ पुलिस. ये आज का क्लियर है सभी को? यस सर. ठीक है, ओके, थैंक यू. थैंक यू सर. सर अब क्लास तो नहीं आपकी? नहीं है.